5 मिलियन प्लस फॉलोअर वाला ये इंस्टा अकाउंट किसी बॉलीवुड स्टार का नहीं बल्कि आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह का है, जो आए दिन अपने वायरल इंस्टा पोस्ट के लिए चर्चा का विषय बने रहते हैं, जिन्होंने बी प्राक, बादशाह जैसे कई सिंगर्स के साथ म्यूजिक वीडियोस भी की है। सृष्टि देशमुख 23 साल की ये यंग आईएएस ऑफिसर के इंस्टा पर 2.2 मिलियन फॉलोअर्स है। ऑल्सो टीना दावी जिनके इंस्टा पर 1.6 मिलियन फॉलोअर्स है। आईएएस दीपक रावत जो अपनी फील्ड विजिट वीडियोस यूट्यूब पर डालते हैं, उनके 4 मिलियन प्लस यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है। एंड मुझे यकीन है कि आपने इनके वीडियोस कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि आज के ये सिविल सर्वेंट भी मूवी सॉन्ग्स एंड वेब सीरीज में देखने को मिलने लगे हैं, जिन्हें कोई रियल सिंघम कहता है तो कोई दबंग कहता है। पर क्या सोशल मीडिया पर स्टार बनने के चक्कर में ये सिविल सर्वेंट अपना काम भूल रहे हैं? क्योंकि जहां कुछ सालों पहले तक मीडिया सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ओकेजन सेलिब्रेट करने की खबरें ही दिखाया करती थी, तो वही जब से सिविल सर्वेंट सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं ना, तब से उनको भी ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो भी कोई सेलिब्रिटी हो। हालांकि क्या आईएएस की लाइफ को ग्लोरीफाई करना सही है? क्या सोशल मीडिया पर इस तरह से रेगुलर पोस्ट करने की वजह से कोई आईएएस अपनी ड्यूटी से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होता? एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वेल, आज के इस वीडियो में हम सिविल सर्वेंट्स के सोशल मीडिया पर स्टार्स बनने के इसी फैक्टर का एक डीप एनालिसिस करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के एक और अनटोल्ड एपिसोड को। दोस्तों, 26 दिसंबर के दिन पुलवामा में हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने ढेर सारे हथियार सीज किए और 3 लोगों को अरेस्ट भी किया। इस समय पूरा कश्मीर हाई अलर्ट पे है क्योंकि आए दिन ऐसी कोई ना कोई खबर दिखती रहती है। और आप सब भी जानते होंगे कि बीते कुछ दिनों में आदि और हमारे वीर भारतीय जवानों के बीच में कितनी मुठभेड़ हुई है, जिनमें से कुछ में हमारे जवान वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। 22 दिसंबर के आसपास जवानों की 2 गाड़ियों पर पूंछ में आतंकवादियों ने कायरता से हमला किए, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे और कुछ घायल भी हो गए थे। उन जवानों में से एक जवान कानपुर का था, जिसका शव जब कुछ दिनों में उसके गांव नहीं पहुंचा और अफवाह फैलने लगी कि आर्मी फैमिली को डेड बॉडी हैंडओवर नहीं करेगी, तो शहीद के परिवार वालों ने प्रोटेस्ट किया था और सड़क जाम कर दी। अब ऑफिसर्स ने बाद में ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर भी कर दी, लेकिन आप बताइए कि आपको पता था कि पूंछ में जवान शहीद हुए हैं और उनके शव ना आ पाने के कारण उनके परिवार वाले ऐसी चीजें कर रहे हैं? मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगी होगी। और होगी भी क्यों, क्योंकि मीडिया ने इस खबर को रिपोर्ट ही नहीं किया। हमारी टीम का एक मेंबर कानपुर से है, उसने जब हमें इस मामले के बारे में बताया ना, और जब हम इस पर रिसर्च करने बैठे तो 2 या 3 से ज्यादा आर्टिकल हमें मिले ही नहीं। और आर्टिकल मिलेंगे भी क्यों, हमारी इंडियन मीडिया को भारत के जवानों से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो मिल गई थी, और ये खबर किसी देश में होने वाली जंग या अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव की नहीं थी, बल्कि खबर ये थी कि आईएएस ऑफिसर टीना डाबी के क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटोज वायरल हो गई है। जी हाँ, 26 दिसंबर को इंडियन मीडिया इतने बड़े बड़े कारनामे और सीरियस खबरें होने के बावजूद ये रिपोर्ट कर रही थी, जबकि सही मायने में तस्वीर वायरल भी नहीं हुई, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम के हर पोस्ट पर 2 लाख या उससे ज्यादा लाइक्स है ही नहीं। अब दोस्तों, डीएनए, एबीपी, अमर उजाला, नव भारत और ऐसे ढेरों प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ इसी बात की खबर चल रही थी कि टीना डाबी ने अपना क्रिसमस सेलिब्रेशन कैसे किया। पर आखिर इंडिया में ये सब चल क्या रहा है और इन सिविल सर्वेंट्स की असली जॉब क्या है? देखो, भारत में हर साल यूपीएससी नाम के सर्विस कमीशन द्वारा दुनिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक कंडक्ट करवाई जाती है, जिसके 3 राउंड्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और इन तीनों राउंड को सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद या तो कैंडिडेट की मेरिट पर या फिर कैंडिडेट के प्रेफरेंस पर उसे 23 मेजर सर्विस पोस्ट में से एक दी जाती है। और इन 23 पोस्ट में से सबसे पॉपुलर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी कि आईपीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी कि आईआरएस, या फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज जिसे आईएफएस भी कहते हैं। एक सिविल सर्वेंट होने के नाते किसी व्यक्ति की बहुत सी ड्यूटीज होती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है सरकार और जनता के बीच एक इंटरलिंक बनाना और ये इंश्योर करना कि जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स का
फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और उन्हें किसी तरह की तकलीफ तो नहीं है या उनके साथ किसी तरह का अन्याय तो नहीं हो रहा है। अब मैसेज कन्वे करने के लिए पहले के समय में सिर्फ दो ही मीडियम्स हुआ करते थे, एक था डिजिटल मीडिया जैसे कि टेलीविजन, रेडियो वगैरह वगैरह, और दूसरा था प्रिंट मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर्स। अब चूंकि न्यूज़पेपर टेलीविजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड हुआ करता था, इसीलिए ये लोकल की जानकारी पहुंचाने का एक बेटर मीडियम था। मगर समय बदला और नए मीडियम्स आए, और इन्हीं में से सबसे इफेक्टिव निकला सोशल मीडिया। जब से सोशल मीडिया आया है तब से किसी भी व्यक्ति का एक बड़ी जनता से कम्युनिकेट करना बहुत ही आसान हो चुका है। इसके अलावा सोशल मीडिया में रिकॉग्निशन भी इतनी आसानी से मिल जाती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और मानो या ना मानो, दुनिया में हर कोई रिकॉग्निशन का भूखा होता है, कोई कम तो फिर कोई ज्यादा। और यहीं से शुरू हुआ सिविल सर्वेंट्स का सिविल सेलिब्रिटी बनने का सफर। दोस्तों, हमारे भारत में हमेशा से आईएएस ऑफिसर्स को बहुत इज्जत से देखा जाता रहा है। एक गांव में कोई डीएम बन जाता है तो आसपास के 5 गांवों को बिना बताए पता लग जाता है कि फला फला जगह में फलाने का लड़का डीएम बना है। और आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से जब भी कोई डीएम बनता है तो उसके रुतबे का हर कोई दीवाना हो जाता है, और जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करता है ना, वो भी इस रुतबे को दिखाने में पीछे नहीं हटता। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि मैं खुद 5 से 6 सिविल सर्वेंट से अपनी लाइफ में मिल चुका हूँ, और सबका तो नहीं पता, पर उन्होंने मुझे ये चीज एक्सीडेंट की है। और केवल यही नहीं, जैसे कि कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर लेता है ना, वैसे ही वो लोग अपने यूजर नेम के आगे या पीछे IAS लगा लेते हैं, और पोस्टिंग के बाद अपने दौरा करने की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट या कम्युनिकेशन से लिटरली कोई संबंध नहीं होता। बल्कि ये पोस्ट मैक्सिमम केसेस में सिर्फ और सिर्फ पावर शोकेस करने के लिए होती है। और एट द एंड ऑफ द डे इस यूजर नेम चेंज से आप यही तो दिखाना चाहते हैं कि आप IAS है। और मेरे दोस्त, मानो या ना मानो, सबकॉन्सियसली ये किया ही जाता है ताकि उन्हें सोसाइटी से वैलिडेशन मिल सके और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। अब दोस्तों, IAS के ऐसे ही भौकाल से लोग इंप्रेस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वाह क्या जिंदगी है, और इसी भौकाल को देखने के लिए वो उस बंदे को फॉलो करते हैं और उसकी पोस्ट लाइक करते हैं, जिससे IAS ऑफिसर को मिलती है पॉपुलैरिटी और वो बन जाता है एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी। मगर अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इस तरह से IAS ऑफिसर को ग्लैमराइज करना सही है या नहीं। देखो, IAS ऑफिसर्स का सोशल मीडिया पर होना अच्छा या बुरा, इन दोनों में से अगर किसी एक साइड पर देखा जाए तो वो बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन होगा। इसलिए देखो, मैटर ये करता है कि IAS ऑफिसर सोशल मीडिया पर किस इंटेंट से पोस्ट कर रहा है और उसका मकसद क्या है। देखो, इस मुद्दे को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम द प्रिंट के आर्टिकल में छपे साल 2008 बैच की IAS सोनल गोयल के इस स्टेटमेंट का सहारा लेना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके हिसाब से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के और पॉपुलर होने के बहुत से होते हैं, जैसे कि इसके थ्रू वो जनता से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकती है। उन्होंने कहा कि वो इस बात को इंश्योर करती है कि वो लोगों तक सभी स्कीम्स और उससे रिलेटेड जानकारियां उनके कल्याण के लिए पहुंचाती रहे, और हमारे हिसाब से अगर कोई IAS ऑफिसर IAS के रूप में इसी तरह के पोस्ट करता है तो वो है सोशल मीडिया का एक सिविल सर्वेंट के नजरिए से सही इस्तेमाल करना। मगर क्या रियलिटी में ऐसा हो रहा है? वेल, लगता तो नहीं। एग्जाम्पल के लिए जरा प्रदीप सिंह जी का इंस्टाग्राम अकाउंट देख लीजिए। इनमें से आपको कितने पोस्ट्स ऐसे दिख रहे हैं जो किसी गवर्नमेंट स्कीम या फिर किसी सोशल कॉज को रेज कर रहे हों? या फिर विशाखा यादव जी का इंस्टाग्राम अकाउंट ले लीजिए। अगेन, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं। एज एन IAS ऑफिसर सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, बट ऑल वी आर सेइंग इज कि जब आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर IAS लिख देते हैं, देन व्हाटएवर यू आर पोस्टिंग वो आपकी पोस्ट के साथ एसोसिएट हो जाता है। ये तो नहीं, पर आपने वैसे बहुत से IAS ऑफिसर्स के वीडियोस YouTube और अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखे होंगे, जिसमें वो ऑफिसर्स किसी को हड़काते हुए देखा जाता है। ऐसे वीडियोस से जनता को भले ही कोई फायदा मिले या ना मिले, पर इन IAS ऑफिसर्स को कई बार बहुत तगड़ा प्रॉफिट भी मिलता है। देखो, जब ये IAS ऑफिसर्स अपने ऐसे वीडियोस को सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो इन वीडियोस को कई बार मिलियंस में व्यूज आते हैं। ऐसे
ऐसे ही एक आईएएस ऑफिसर के चैनल पे लास्ट मंथ 35 लाख से ज्यादा व्यूअर्स आए थे, जिससे उन्हें कितना तगड़ा एडसेंस रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा ये आप खुद सोच लीजिए। हालांकि इस पॉपुलैरिटी का सबसे तगड़ा फायदा मिला आईएएस अभिषेक सिंह को। अपनी पॉपुलैरिटी के चलते अभिषेक नेटफ्लिक्स की सीरीज डेली क्राइम में भी एक्ट कर चुके हैं। बी प्राक के सॉन्ग दिल तोड़ के में भी वो फीचर हो चुके हैं और इसके अलावा भी वो कई पॉडकास्ट, टीवी शोज और ऐसे कई मीडियम्स के थ्रू अच्छी खासी पब्लिसिटी गेन कर चुके हैं। अब देखो, ये अच्छी बात है कि आप एक फैन बेस क्रिएट कर चुके हैं, मगर एज एन आईएएस ऑफिसर यू आर सपोज टू बी सीरियस अबाउट योर पोस्ट्स, और किसी भी सिविल सर्वेंट द्वारा किया गया कोई भी पोस्ट एज ए होल पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है, जिस वजह से आपका पोस्ट सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डॉक्टर एस वाई कुरैशी ने भी ये बात कही थी कि एक करिश्मेटिक पब्लिक ऑफिशियल और एक अटेंशन सीकर बनने में बहुत जरा सा अंतर होता है, और एक सिविल सर्वेंट को उस अंतर की समझ होनी चाहिए। उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर का एग्जांपल भी दिया था जो दिन में 4 से 5 फोटोज अलग अलग ड्रेसेस में डाला करती थी, जिन्हें देखकर उन्हें पहले लगा कि ये कोई फैशन मॉडल है, मगर बाद में ये पता चला कि शी वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अंत में बात सिर्फ इसी चीज पर आ जाती है कि आप लोगों को इंस्पायर तो कर रहे हैं, मगर किस दिशा में, ये आपके पोस्ट डिसाइड करते हैं। अगर एक आईएएस की लाइफ दिखाने के लिए ढेर सारी लग्जरी दिखाएंगे और छोटे पद वाले लोगों को हड़कते हुए, उन्हें डांटते हुए अपने आप में प्रेजेंट करेंगे, तो लोग उसे इंजॉय तो बहुत करेंगे, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है लड़ाई झगड़ा और नेगेटिव साइड की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होने की। ऐसे थोड़ी वन साइडेड फैक्ट्स रखने वाले जर्मनी में बैठकर इंडिया से करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, मगर इस तरह कंटेंट देखने के बाद एक बंदा आईएएस बनने की तैयारी उस पावर के लिए करने लगता है जो हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं गलत है। देखो, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सिविल सर्वेंट होते हैं, यानी लोगों के सर्वेंट, और जितने भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज ऑफिसर्स के तौर पर अपनी लाइफ को ग्लोरीफाई करते हैं ना, उन्हें एक ऑफिसर की सर्वेंट वाली साइड भी दिखानी चाहिए, ताकि जिस आगे आने वाली जनरेशन को वो इंस्पायर कर रहे हैं उन्हें इस चीज की समझ हो कि एक आईएएस ऑफिसर होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है, आपके ऊपर कितने सारे लोगों का कार्य भार आ जाता है और आपको उनके वेलफेयर के लिए कितना सोचना पड़ता है। जब एक सिविल सर्वेंट की ये वाली साइड लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगी, तब जाकर लोग रुतबे के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारियों के लिए एक सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखेंगे, और जब अगली जनरेशन में इसी हम्बलनेस, इसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसी सर्विस मोटिव वाले ऑफिसर्स निकलेंगे, तभी हमारा भारत कॉन्स्टेंटली पब्लिक वेलफेयर और सोसाइटी की ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। वरना अगर लोग सिर्फ ऑफिसर्स के रुतबे के लिए सिविल सर्विसेज को चेज करेंगे ना, तो आगे जाकर ये सोसाइटी के लिए कितना बैकफायर कर सकता है, एक बार आप खुद इसे इमेजिन करके देखिए। आपको भी अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग दिख जाएंगे जो किसी सिविल सर्वेंट को किसी छोटे पद के आदमी को डांटते हुए देखकर खुश होते होंगे, और इस पावर के लिए सिविल सर्विस चेज करते होंगे टू इंश्योर कि ये माइंडसेट सर्विस मोटिव की तरफ जाए और अगली जनरेशन सही चीज को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी के लिए मोटिवेट हो। उसके लिए करंट आईएएस ऑफिसर्स को अपनी सोशल मीडिया इमेज बहुत ध्यान से बनानी चाहिए और इसके नेगेटिव साइड को भी उजागर करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रेजेंट को देखकर ही आज के इंस्पायरिंग सिविल सर्वेंट अपना फ्यूचर बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। वैसे इस बात पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और खास करके उन लोगों के साथ शेयर करना जो कि यूपीएससी या फिर ऐसे ही किसी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे अगर आप नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।